नमस्कार, मैं हूं साक्षी मंगाई। आप देख रहे हैं देवभूम इनसाइडर। रुक करते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। मुख्यमंत्री पहुंचे जोशीमठ, राहत कार्यों का ले रहे जायजा। जेपी नड्डा ने धामी से की बात। देहरादून में सीएम धामी ने 5G सर्विस का किया शुभारंभ। जोशीमठ में ढहाए जाएंगे असुरक्षित भवन। होटल मालिक धरने पर बैठे, सीएम ने दिया एक माह का वेतन। जोशीमठ में प्रभावितों को 1.5 लाख की आंतरिक सहायता, बाजार दर पर मिलेगा मुआवजा। जोशीमठ भूदशाओं पर 13 जनवरी को कैबिनेट की इमरजेंसी मीटिंग, हो सकते हैं बड़े फैसले। अब खबरें विस्तार से। सीएम पुष्कर सिंह धामी हालातों का जायजा लेने के लिए जोशीमठ पहुंच गए हैं। सीएम धामी जोशीमठ में राहत बचाव कार्यों की समीक्षा कर रहे हैं और रात में जोशीमठ में ही रुकेंगे। वहीं जोशीमठ के हालातों को लेकर बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सीएम पुष्कर सिंह धामी और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट से फोन पर वार्ता की। इस दौरान उन्होंने सीएम को हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। उत्तराखंड के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि राजधानी देहरादून में 11 जनवरी से 5G सर्विस शुरू हो गई है। जियो उत्तराखंड में 5G सर्विस शुरू करने वाली पहली कंपनी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में जियो की 5G सर्विस का शुभारंभ किया। एक ओर जोशीमठ के भवनों और इमारतों में दरारें चौड़ी होती जा रही हैं, दूसरी ओर इनको गिराने में प्रशासन की टीम को विरोध भी झेलना पड़ रहा है। जिला प्रशासन की टीम लाव लश्कर के साथ भवन तोड़ने पहुंची तो प्रभावित लोग विरोध में उतर आए। ऐसे में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई आज तक के लिए टल दी गई थी। उधर सीएम धामी ने अपना एक महीने का वेतन मुख्यमंत्री राहत कोष में दिया है। वहीं मलारी होटल के मालिक टी सिंह राणा व उनके परिजन मुआवजे की मांग को लेकर होटल के बाहर बैठ गए। जहां एक ओर जोशीमठ भूदशाओं के प्रभावित सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट करने को लेकर मुखर हैं, वहीं दूसरी ओर शासन ने फौरन सहायता का ऐलान कर दिया है, जिससे प्रभावितों को तत्काल मदद मिल सके। वहीं धामी सरकार का कहना है कि भूदशाओं से जो स्थानीय लोग प्रभावित हुए हैं उनको बाजार दर पर मुआवजा दिया जाएगा। जोशीमठ मामले पर धामी सरकार ने आपात कैबिनेट बैठक बुलाई है। ये आपात कैबिनेट बैठक 13 जनवरी को बुलाई गई है। कैबिनेट बैठक में जोशीमठ प्रभावितों को लेकर बड़े निर्णय लिए जा सकते हैं। जोशीमठ मामले को लेकर हरीश रावत ने देहरादून के गांधी पार्क में मौन उपवास शुरू कर दिया है। हरीश रावत पीड़ितों को मुआवजा का ऐलान की मांग कर रहे हैं। हरीश रावत ने कहा कि जोशीमठ में बिना मुआवजे के ही ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है। मसूरी में IDPP की पासिंग आउट परेड हुई। पासिंग आउट परेड के बाद 45 युवा अधिकारी भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल की मुख्य धारा में शामिल हुए। इसमें उत्तराखंड के 4 युवा भी अधिकारी बने हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हल्द्वानी दौरे का कांग्रेस ने विरोध किया। पुलिस ने सीएम धामी के दौरे का विरोध कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में आज 7वां दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया। दीक्षांत समारोह में स्नातक और परास्नातक स्तर पर बेहतरीन प्रदर्शन के लिए 28 छात्रों को स्वर्ण पदक दिया गया, जबकि पद्मश्री पर्यावरणविद कल्याण सिंह रावत, पद्मश्री लोक जागर गायिका बसंती बिष्ट और लोक कलाकार नंद लाल भारती को मानद उपाधि दी गई। चाइनीज फर्जी लोन ऐप से 300 करोड़ से ज्यादा की ठगी मामले में उत्तराखंड एसटीएफ ने अंतर्राष्ट्रीय गिरोह के भारतीय सरगना अंको ढींगरा को गुड़गांव से गिरफ्तार किया है। वहीं बताया जा रहा है कि इस गिरोह को हांगकांग से 5 चीनी नागरिक संचालित कर रहे हैं। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहें देवभूमि इनसाइडर के साथ। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर।